तब रामचंद्र सिंह के बाप गुजरे थे उन्हें दोनों, और वो रामपुरा आके बैठ गए। दलबीर सिंह और संत जवाहरलाल दोनों आए कि भाई तुम जा करके इसने हमने मना लिया और अपना आशीर्वाद ले लेगा, अजी हम फसू मर्जी बना लिए, उन्हें वजीर बना दे। तो कहना चलो वहाँ रामपुरा गए हम, तो उसने बड़ी मज़ेदार बात कही रामचंद्र सिंह ने। और कहा भाई बात तो भाई तेरा बाप गुजर गया। कह रहे पंडित तूने मुझे उन आदमियों में धकेल दिया जिनसे मैं नफरत करता। अच्छा, ये कोई किसी को नहीं पता नहीं है। कहेंगे भाई बैठ जा, चलो मैं तस्वीर दे दूंगा, आप अपना राज। तो उनका इशारा किसकी तरफ था? राव जाटों की तरफ, जाटों की तरफ था। तो मतलब हरियाणा में जाति की राजनीति शुरू से ही है? ये शुरू से ही है, मतलब टसल रही है, रही है, क्योंकि जाट अपने आप को सुपीरियर समझता है भी सुपीरियर। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं। पंडित जी का भी जो बना है वो जाटों ने ही बना है। अच्छा, जो जितने पहलवान थे पंडित जी को तो ये कहते थे ना ये जाटों के दुश्मन है। नहीं नहीं नहीं, जितना जाटों का उसने फायदा किया ना, तीनों चेयरमैन उनके तीनों जाट थे, सब बनाए उन्होंने। दादा तेज थे बातों में ना, उसका कोई जोड़ नहीं था जेल में। वो मीटिंग कर रहे थे जब गवर्नर राज था, तो सब बैठे थे और मैं तकरीबन अंदर रहता था। साला लफ्ज बोलते थे, साला बहुत इस्तेमाल करते थे, सब बोल दिए जो कला। मैंने कोई साला हरियाणा में नहीं देखा ऐसा जिसके 32 ही मिले, सबके मुंह में हाथ देख के देखा। मैंने कौन सा ऐसा जिसकी मैंने जमानत नहीं जब्त कराई? 30 मार खा बने फिरते हैं, तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं, किसी की धमा नहीं खुली। हर सीट पर 15-20 हज़ार वोट को वो रखता था काबू में। तो देवलाल वह कहेंगे भी इलेक्शन का तेरे को टिकट नहीं दूंगी, इंद्रजीत कर लेंगे। अच्छा, इंद्रजीत ने उनको कह दिया? हाँ, कहना बहन बगैर दूल्हे के बरात कैसे, कौन साला जानेगा मैं सीएम बनूंगा, आप मेरे को टिकट नहीं दे रहे। कहने की नहीं दे को नहीं मिले तो देवलाल को मत दे। अच्छा, देवलाल की भी कटवादी? हाँ, तो कटवादी का वो टिकट ले लेगा। कहना और बामण ना टिकट तने ना मन या कांग्रेस खानी हमने सोची। कहा चल चलती धोती कुर्ता इंदिरा ने उतार लिया, अब मेरे बहस करता है। कांग्रेस छोड़ेगा तू? छोड़ते मैं नहीं छोड़ता। 5 दिन रह गए, जिम्मेदार टिकट ले आई, ले आया देवलाल इंद्रजीत। आ कनारा बामन टिकट आ कहाँ की है? रोडी की। आखिर इंदिरा की टिकट है, मेरी नहीं है। जीत का आएगा तो पता चलेगा। मैंने कहा राम सुन चल रोडी मान रहा। रोडी इंदिरा खड़ा करके खड़ा दिया। कौन खड़ा कर दिया? इंदिरा खड़ा कर दिया। लैंड लॉर्ड था वहाँ का जाट, देवलाल राजीया। और कहना मामन भी गया आखिर मैं किसी साले की भैंस बांध तो नहीं सकता, खोल तो सकता हूँ। कि मैं किसी की भैंस बांध तो नहीं सकता, खोल तो सकता हूँ। मैंने फिर तो 30 मार खा मैंने हरा दिया। वो इंदिरा जी के पास गया, इंदिरा जी भाई तुमने क्या किया? और क्या करता मैं, इसको सीएम बनाना चाहती थी, मैंने इसको हरा दिया। कि मेरे बारे में क्या करोगे, तेरा सोचूंगा तेरे बारे में। अच्छा, हाँ। मैंने कहा भाई समझा कर राम सिंह को, मुझे जानती थी, मैं प्रताप सिंह कहरों के साथ ही रहा था, तो मुझे बाई फेस बाई नेम अच्छी तरह जानते थे। अच्छा, वो बात दादा सच्ची है क्या कि कहरों को जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं दिल्ली को स्विट्जरलैंड बनाना चाहता हूँ? हाँ, सच है ये बात? सच है बिल्कुल। अच्छा, क्या योजना थी उनकी? 40 किलोमीटर के इधर तक का एरिया वो दिल्ली में शामिल करना चाहता था। अच्छा, तो उसमें तो पंजाब की जरूरत पड़ती है। पंजाब की वो कहता भाई मेरे को तुसी पंजाब, हरियाणा तो फिर शामिल हो जाता। हाँ, शामिल हो जाए। मेरे को तुसी पंजाब का टुकड़ा ना मंगो, ना मंगो निकल दिया उसने। उसने कहा कि प्रताप सिंह भाई मैं पंजाब को स्विट्जरलैंड बनाना चाहता हूँ, नहीं कर दिया।